तो हाँ जी, अभी सब कुछ खाना पीना सब कुछ हो चुका है और अभी मेरे पथारी हो चुकी है यहाँ पर। सलमान खान, अरे मेरा सर। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो अभी बजे 10:30 और जस्ट अभी मैंने मम्मी के पास क्या बोलते पॉपकॉर्न बना रहा है, ये रहा मेरा पॉपकॉर्न। तो मुझे पॉपकॉर्न खाने का मन हो रहा था तो मैंने हल्दी और नमक डालकर थोड़ा बनाया, इतना तीखा नहीं बनाया तो क्योंकि तीखा ऐसे होती खुटली आती है, वैसे कुछ प्रॉब्लम होता तो मैंने ऐसा नहीं बनवाया। तो अभी मैं इंजॉय कर रही हूँ पॉपकॉर्न, अपने खाए होगा और खाते भी होंगे, काश मेरे पास होते तो आपको भी मैं खिलाती, तो इसलिए अभी मैं थोड़ा खाती हूँ। काफ़ी अच्छा लगा, इसमें नमक थोड़ा ज़्यादा हो तो काफ़ी अच्छा लगता है। मम्मी ने एकदम मीडियम से ही डाला है। तो बस अभी ये नाश्ता कर रही हूँ और सुबह मैंने ये नारियल पानी पिए थे तो बस उसको वहाँ पर वहाँ छोड़ दिया, अभी मैंने उसको हटाया ही भी नहीं है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा पानी अच्छा निकला था तो थोड़ा पिया और थोड़ा रख दिया क्योंकि थोड़ा मैं बाद में पी लूँगी। और अभी खाने में मम्मी क्या बनाती वो तो पता नहीं है, पर आटे को गूंथ कर रखा है और सुबह मैंने जो वीडियो बना रही हूँ वो मैं आपके साथ शेयर भी कर रही हूँ। तो होप करती हूँ आपको मेरा वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आ रहा है, पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा और भी मैं अच्छे अच्छे वीडियो आपके साथ शेयर करती रहूँगी। और हाँ, और आपको क्या नया कंटेंट देखना है वो भी मुझे कमेंट करिएगा क्योंकि आप क्या देखना चाहते हो वो मुझे पता चले तो मैं ऐसे वीडियो आपके साथ शेयर करती रहूँगी। तो इसलिए अब मैं खा लेती हूँ, मिलती हूँ थोड़ी देर बाद। हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। तो मैंने सुबह से ब्लॉग्स नहीं बनाया था क्योंकि मुझे कुछ काम था। तो मम्मी ये सब्जी लेके आई थी क्योंकि अभी दूध लेने के लिए गई थी, तो ये सारी सब्जी लेके आई है। तो इसमें से मैं ये बैंगन की सब्जी बनाऊंगी क्योंकि बैंगन की सब्जी और रोटला बनाएंगे बाजरे का, तो उसको कट भी करना है। तो अभी मैं जाती हूँ घर में और इसे मैं पानी निकाला है क्योंकि ये ब्लैक ना हो जाए, इसीलिए हमने पानी में कट करते हुए, तो चलिए अब घर में चलते और वहाँ पर कट करते हैं। तो हाँ जी, अभी हो चुका है शाम का टाइम और यहाँ पर मैं कर रही हूँ सब्जी को कट क्योंकि मम्मी लेके आई थी इसको क्या बोलते बैंगन और यहाँ पर हम गुजराती भाषा में बोलते बटे। तो आज बनने वाले बटे की सब्जी यानी कि बैंगन की सब्जी। तो बैंगन अकेले बैंगन की सब्जी नहीं बनाई, साथ में हम उसमें पापड़ी का जो दाना होता वही भी ऐड करेंगे, उससे क्या होता है स्वाद भी अच्छा आता है और काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है खाने में और टेस्टी भी लगती है। तो अभी मैं सबसे पहले सब्जी को कट कर देती हूँ और इसके बाद मैं उसको तड़का लगाती हूँ। तो चलिए अब उसको अच्छे से कट कर देते हैं। तो चलिए जी, यहाँ पर हमारी सब्जी कट हो चुकी है और यहाँ पर हमारा मरी मसाला और यहाँ पर मैंने तेल को गर्म होने के लिए रख दिया है। जब तक तेल गर्म नहीं होता तब तक हम सरसों ऐड नहीं करेंगे। तो अब अच्छे से गर्म हो चुका है तेल, तो इसमें सरसों डाला तो अच्छे से फूट कर बाहर आ गया। तो सबसे पहले इसमें हम थोड़ी सी हल्दी ऐड करें क्योंकि हल्दी इसीलिए मैं सबसे पहले ऐड करती हूँ क्योंकि उसका स्वाद और उसका फ्लेवर काफ़ी अच्छा आता है और खाने में भी काफ़ी अच्छा लगता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने तड़के में ओनली फॉर एक ग्लास सरसों ही ऐड किया और सब्ज़ी में बीन्स ये सब कुछ मैंने यानी कि जो दाने थे वही और बैंगन ही
ही ऐड की है क्योंकि सब्ज़ी काफ़ी अच्छी लगती है और शाम का टाइम था। और यहाँ पर मैंने नमक, लाल मिर्च पाउडर और हल्दी तो मैंने सबसे पहले ही ऐड कर दी थी, तो उसको अब अच्छी तरह से हम भून लेते और फिर इसमें हम पानी ऐड करेंगे। तो चलिए जी, यहाँ पर सब्ज़ी को हमने पकने के लिए रख दिया है, पकने के लिए रख दिया है। और यहाँ पर मम्मी बना रही है बाजरे का रोटला, तो एक बाजरे का रोटला बन चुका था, दूसरा पक रहा था और तीसरा मम्मी अच्छे से बना रही थी। तो उसको मम्मी काफ़ी अच्छी तरह से बनाती है, मुझे आता है बट इतना अच्छा मुझसे नहीं बनता, तो मम्मी बना लेती है। तो मम्मी ने काफ़ी अच्छी तरह से सेक लिया है। और हाँ, आप जब गैस पर बाजरे का रोटला बनाते हैं उससे बेहतर आपको जो हम चूल्हे पर रोटले बनाते हैं वो काफ़ी अच्छे लगते हैं खाने में और टेस्टी भी लगते। यहाँ पर मम्मी थोड़ा थोड़ा पानी लेकर बाजरे का रोटला है अच्छी तरह से बना रही है गोल गोल, क्योंकि वरना वो हाथ में चिपक जाता है। तो उसे हमें अच्छी तरह से गुनना होता है और फिर हमें बाजरे का रोटला बनाना होता है। तो चलिए अब जी, खाना सब कुछ रेडी हो चुका है, तो यहाँ पर हम खाने के लिए रेडी हो चुके। तो यहाँ पर मैं, मम्मी, भावेश साथ मिलकर खाना खा रहे। तो यहाँ पर खिचड़ी थी साथ में, मैंने खिचड़ी में घी लिया था, रोटला था और सब्जी थी। तो भावेश ने इसमें बाजरे की रोटला और सब्जी दोनों मिक्स कर दिए और साथ में खा रहे। और यहाँ पर मैं अभी सोच रही खाना खाऊँ या ना खाऊँ, तो चलिए अब मैं भी खा लेती हूँ, मिलते एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। तो हो चुकी है अभी रात, खाना खा लिया और खाने में बने थे बाजरे का रोटला और साथ में भट्टे पापड़ी की सब्ज़ी, तो इतना खाना मज़ा आ गया। तो खाना काफ़ी अच्छा था, टेस्टी भी था, आपने देखा होगा वीडियो में। तो बस अब हम चले सोने। तो यहाँ पर हमारा ये खटला वटला पत्थर पथारी हो चुकी है, तो हम चले सोने। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।